दोस्तों, वीनू इंफोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज वीनू इन्फो के टेक सेक्शन में हम लोग एक नए टेक्नोलॉजी या नए कंडीशंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जब ये हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और किसी कारणवश रॉकेट में कोई तकनीकी खराबी शुरू में आ जाती है तो हम उसको रोक देते हैं, उसे एबॉर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद फिर आपने ये कहते सुना होगा कि अगली विंडो जब मिलेगी लॉन्च करने की तब हम इसे लॉन्च करेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपके पास एक रॉकेट है, रॉकेट जो कि एक इंजन है, और इंजन को आपने मान लीजिए कोई तकनीकी खराबी आई और उस तकनीकी खराबी को आपने ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया, और अब रॉकेट जो है स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, फिर भी हम उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको लॉन्च नहीं कर पाते हैं और हम कहते हैं कि जब विंडो मिलेगा तब करेंगे। ऐसा क्यों है? जबकि वो मशीन है, उसको जब चाहे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दें, वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ निकल जाएगा अपनी पेलोड लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि ये लॉन्च विंडो क्या होता है और ये लॉन्च विंडो का निर्धारण कैसे किया जाता है और क्यों अपनी इच्छानुसार आप सेटेलाइट को अपने समय के हिसाब से नहीं भेज सकते, आपको किसी और चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आज हम लॉन्च विंडो को जानने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते होंगे तो नासा, जो कि अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट भेजने के लिए काफ़ी मशहूर है और दुनिया की लगभग नंबर एक संस्था मानी जाती है स्पेस एजेंसी के रूप में, उसका एक आर्टमिस वन एक मिशन था जो कि चांद पे जाने वाला था, उसको अभी हाल ही में एबॉर्ट किया गया था। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अभी उसके पास 14 विंडो तक में उपलब्ध हैं। लेकिन ये 14 विंडो जो कहते हैं हम, ये होता क्या है? नासा कब छोड़ेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि ये विंडो क्या होता है और क्यों ये इतने विंडो अवेलेबल होते हैं और उसमें से किसी एक विंडो की आप तलाश करते हैं। यानी सबसे पहले ये समझने की कोशिश है कि जो रॉकेट को आप छोड़ते हैं वो कहाँ से छोड़ते हैं। वो धरती से हम छोड़ते हैं, और जहाँ हम छोड़ते हैं वो कहाँ जानता है? वो कोई एक आकाशीय पिंड है, यानी कि वो एक घूमता हुआ पिंड है जो कि अपनी एक चक्कर लगाते रहती हैं। उस चक्कर लगाने की वजह से जब आप, चाहे वो सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे मार्स हो, चाहे शुक्र हो, या जहाँ भी आपको भेजना है उस ग्रह को, तो ये जब दोनों ऑब्जेक्ट घूम रहे होते हैं तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक अहम प्रश्न होता है कि वो कौन सा समय होगा जिस समय कि जहाँ से आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी धरती है आपका जहाँ पे स्टेशन बैठा हुआ है, वहाँ से जब आप उसको भेजेंगे तो वहाँ पहुँचने के लिए उसको सबसे कम समय, सबसे कम दूरी को ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका रॉकेट जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होगा और उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आप ये जाने कि मिनट दो मिनट में लाखों किलोमीटर का, करोड़ों किलोमीटर का फासला आ जाता है और उस फासले की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये दोनों घूमते हुए पिंड कब एक ऐसी कंडीशन में आएंगे उसको एक माइन्यूटली कैलकुलेट करना पड़ता है, कि जबकि ये डिस्टेंस जो हो वो पॉसिबली सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो आपको अपने सेटेलाइट को वहाँ भेजने के लिए। पॉइंट नंबर वन ये है, आप जब एक रॉकेट को भेजते हैं, अगर ये धरती पे चल रहा होता, मान लीजिए ये आपका कार होता और बस होता, तो अगर तेल ख़त्म हो जाता तो आप उसको रिफ्यूल कर देते। लेकिन ये जब स्पेस में हम भेजते हैं तो दुर्भाग्य समझिए या एक वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल समझिए कि आपके पास रिफ्यूलिंग का कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आपके रॉकेट का फ्यूल रास्ते में ख़त्म हो गया तो आपका मिशन एबॉर्ट हो गया, आपका मिशन बेकार हो गया। और आप जानते हैं कि एक रॉकेट लॉन्च में कितने हज़ार हज़ार करोड़ रुपए लगते हैं, उतने पैसे की आपकी बर्बादी होगी। तो इस वजह से वहाँ फ्यूल भरने की सुविधा नहीं होने की वजह से आपको एक एक मिलीग्राम, एक एक लीटर, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो, उसको आपको बचाना रहता है और ऊर्जा की उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है कि आपके इस मिशन को पूरा होते तक किसी भी कंडीशन में ये ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपके सैटेलाइट से भी ख़त्म ना हो और आपके रॉकेट से भी ख़त्म ना हो। सैटेलाइट के लिए तो वैज्ञानिकों ने कुछ वर्क किया हुआ है कि चूंकि ये एक सोलर लाइट उसको अवेलेबल होता है तो आजकल सोलर का उपयोग करता है और कुछ और भी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करके, उसका इस्तेमाल कर
उसका उपयोग करता है, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो सोलर विंग बंद हो जाता है और एनर्जी को सेव भी करने की कोशिश की जाती है। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस मुद्दे को हमें जानना है कि वहाँ फ्यूल भरने की सुविधा नहीं है। और फर्ज माने कि आप कहते हैं कि यार मैं फ्यूल जो है वो मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी फ्यूल है, तो आप जिस रॉकेट में उसे भरेंगे उसकी टैंक की एक लिमिटेशन होगी, और जब आप ज़्यादा फ्यूल भरना चाहेंगे तो या तो आपके रॉकेट के साइज़ को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, उसके इसका मतलब उसका जो पेलोड कैपेसिटी है, उसके ऊपर जाने की कैपेसिटी है, उसके लिए वो एक बाधा होंगी, या तो आपको बड़ी मशीन बनाना पड़ेगा, और भी बड़ी मशीन बनाना पड़ेगा, या आपको फ्यूल की टैंक को छोटा करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एफिशिएंटली वर्क करने के लिए आप ना तो फ्यूल टैंक का साइज़ बढ़ाते हैं, क्योंकि उससे पेलोड ले जाने की कैपेसिटी उसकी घट जाएगी अगर आप पेट्रोल डीजल या कोई सॉलिड फ्यूल उसमें प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो आपने ज़्यादा भर दिया तो उसकी ऊपर जाने की क्षमता कम हुई, तो आपको सेटेलाइट का वजन घटाना पड़ेगा, जिस पे कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो कंप्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से आप उसको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो किसी रॉकेट को जब हम किसी ट्रेजेक्ट्री में भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं, किसी मिशन पे भेजते हैं, तो फ्यूल एफिशिएंट होना उस सेटेलाइट का और उस रॉकेट का दोनों का बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। सेटेलाइट को लॉन्च करते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम सेटेलाइट को किस पॉइंट से और किस जगह पर, मीन्स जिस जगह पर हम उसको भेजना चाहते हैं उसका पोजिशन क्या है, ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी होता है, और वो पोजीशन, वो पॉइंट जो है वो किस दिन सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और वो उस जिस ऑर्बिट में कर रहा है, उस ऑर्बिट का भी सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं है, उस ऑर्बिट की क्या पोजीशन है, क्योंकि उसमें आपको मैनेवर करना है उसके ऑर्बिट में रीच करने के लिए, तो उस ऑर्बिट का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ को बहुत माइन्यूटली कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये आपको घूमते, जब दो ऑब्जेक्ट घूम रही होती हैं तो ये सेकंड सेकंड में इसका पोजीशन बदलते रहता है, तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना पड़ता है। तो वैज्ञानिकों के सामने इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कि कितना एक्यूरेटली वो टाइम को कैलकुलेट कर सकता है, और कितने फ्यूल की ज़रूरत है, कितना फ्यूल एफिशिएंट उसका रॉकेट है, इसको कैलकुलेट कर सकता है, इसके हिसाब से वो अलग अलग समय का इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि ये घूमते रहता है, तो कई बार अगर आप चाहते हैं कि उस ऑर्बिट में पहुंचा जाए तो आप अभी भी लॉन्च कर देंगे तो वो पहुंच सकते हैं, लेकिन वो कई बार आपका ऑर्बिट का जो प्लेसमेंट है उसको जब आप मैनूवर करते हैं उस वक्त आपको काफ़ी दिक्कत होती है एग्जैक्ट पोजिशन तक पहुँचने के लिए, आपके सेटेलाइट को भेजने के लिए। तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक माथापच्ची का समय बना हुआ रहता है, इसलिए कई बार उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये समय हो सकता है जो बेस्ट समय हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल फ्यूल एफिशिएंट और टाइम सेविंग, क्योंकि एक डिस्टेंस जब ट्रेवल करना है, आप ये सोचें कि आपने फ्यूल भर दिया तो आपके मशीन को ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा समय तक चलना पड़ेगा, तो ज़्यादा समय तक चलने पर मशीन की फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी, तो आप चाहते हैं कि कम से कम समय चल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, और ये चीज़ जब आप कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का माइन्यूटली ध्यान देना पड़ता है। इसी के साथ जो वेदर कंडीशन होता है उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है आपको इस विंडो को कैलकुलेट करने में, क्योंकि जो अर्थ सरफेस होता है और जिसे हम आप स्पेस कहते हैं, दोनों के नेचर और बिहेवियर में फ़र्क होता है। तो जब आप उस रास्ते को ट्रेवल करना चाहते हैं कि जिस पे कि आपका मान लीजिए घर है वो भी घूम रहा हो, और जहां आपको पहुंचना हो आपका ऑफिस है वो भी घूम रहा हो, तो क्या होगा कि जिस रास्ते से कल को आप जाते थे उस ऑफिस में, वो रास्ता का पोजीशन बदल गया, तो आपको एक नए रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी, तभी आप उस ऑफिस को पहुँचेंगे। हो सकता है कि दूरी बराबर हो, लेकिन आपको नए रास्ते से चलना पड़ेगा, और ऐसा कंडीशन हो सकता है कि उस रास्ते में अब आपको जंगल पड़ता हो, नदी नाले पड़ते हों, या आपके पास रोशनी की व्यवस्था नहीं हो, तो कई दूसरी सारी कॉम्प्लिकेशंस से आपको सामना करना पड़ेगा। सो सिर्फ केवल दूरी की ही बात नहीं है, बात यह है कि आप जिस रास्ते से, गंतव्य रास्ते से आपने जाना वहाँ तय किया था, उस रास्ते से आप पहुँच सकते हैं या नहीं। इसी के साथ एक मैंने उसमें आपको अभी बताया था जहाँ पे कि जो डीप स्पेस शुरू होता है वो होता है 50 माइल्स के ऊपर, ना कि 50 किलोमीटर के ऊपर, तो इस करेक्शन को आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।